उसी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में मेरी घरवाली पड़ गई, 20 महीने हो गए उसे पड़े हुए। मजबूर ये पड़ गए कि मुझे अपना इलाज पानी कराना, छोटा भाई भी कारोबार छोटा मोटा करता, सब्जी वगैरह बेचता ठेले पे। अच्छा, कोई एक बच्चा नहीं मेरा, घरवाली है, घरवाली खत्म हो गई, घरवाली भी खत्म हो गई, छोटा भाई और उसकी घरवाली है, छोटे भाई भी बच्चा नहीं है कोई। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि अपनों को पराया कर देता है और परायों को अपना कर देता है। मैं आज एक ऐसी ही आपको कहानी बताने के और दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति आज बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में पहुंचे हैं, उनकी दास्तान आप सुनोगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई पैसा बहुत बुरी चीज़ है। इन्होंने अपने साड़ू के बच्चों को उनके बुरे वक्त में, जिस वक्त उनके ऊपर कोई केस हुआ था, हाथ उधारी पैसे दे दिए थे। उससे पहले जब तक पैसे नहीं दिए थे तब तक तो वो इनकी सेवा में लगे रहते थे, रात दिन कॉल करके इनकी खैरियत पूछते रहते थे। मगर जैसे ही इन्होंने उन्हें पैसा दिया, अपना समझकर कि इनके बुरे वक्त में मैं काम आ जाऊं, पैसा देने के बाद में वो इनके आज दुश्मन हो चुके हैं। ये बेचारे चलने और फिरने से मोहताज भी हैं, दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ ई रिक्शा में डालकर इनके जो भाई हैं वो लेकर आए हैं, इनके हाथ पैर पैरालाइज वगैरह हैं शायद, चलने फिरने से बेचारे बेकार हैं। और ये गाड़ी वगैरह देखो इस्तेमाल करते हैं चलने में, यानी कि बिल्कुल एक तरह से मैं बताऊं तो अपाहिज है। और अपाहिज होने के बावजूद इन्हीं का पैसा जो है, जो इन्होंने उनके बुरे वक्त में दिया था इनको देने से, वो इनकार कर रहे हैं और यहाँ तक कि इन्हें मारने तक की धमकी दे रहे हैं, जो पहले से ही मरणासन्न हालत में है। चलिए मैं इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका बाबूजी? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, थोड़ा आगे आ जाइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव मिर्जापुर। गांव मिर्जापुर, क्या हुआ? आपके पैसे किसने ले लिए और क्यों नहीं दे रहे? कोई जरूरत पड़ गई थी उनको। क्या नाम है उनका, नाम बताओ? उनका नाम है हफीजवंत ननुआ। हाँ, हफीजवंत ननुआ। हाँ, क्या हुआ था? उनके दामाद को पकड़ के ले गए थे कुछ पैसे, उनके पैसे चाहिए थे किसी के, दामाद पे खुल जगह है दामाद। अच्छा अच्छा, उनके दामाद पर पैसे थे किसी को, उन्होंने उसको पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया। हाँ, फिर वो मेरे पास आए कि ऐसे ऐसा बात है भैया, हमें कुछ पैसे हो तो दे दे। कितने रोके इतने? मैंने उनको 1,40,000 रुपए दे दिए, तो उन्होंने मुझे 60,000 रुपए तो लौटा दिया, 80,000 मेरा बकाया है। 80,000 बकाया है इसकी घरवाली, छोटे भाई भी बच्चा नहीं है कोई। अच्छा, आपके भाई वगैरह सेवा करते रहते? हाँ, भैया सेवा करता है। तो ये जो है आपके कौन लगते हैं जिनको पैसे दिए थे? सगे साड़ू, साली के लड़के। जब पैसे मांगने आए थे, जब कैसे पैसे मांगे थे ये बताओ? पैसे इसी वजह से मांगे थे कि भैया, क्या कह रहे थे आपसे? हाँ, के मांगे थे, हाथ जोड़ के मांगे थे, हाथ जोड़ के भाई इज्जत धर ले हमारी। हाँ, और हम तुझे टाइम पे पैसे दे देंगे। हाँ, नहीं दिए मुझे पैसे, जब मैंने मांगने को पहुंचा तो मुझे मारने की और धमकी दी। और क्या कह रहे हैं? अब 13 महीने हो गए, 13 महीने में मुझे, तेरह महीने में मुझे उन्होंने 10,000 रुपए दिए 13 महीने में। हाँ, 80,000 रह गए, कुछ पहले दे चुके थे। अब आप यहाँ एसएसपी ऑफिस पहुँचे हैं तो ऐसी मजबूरी क्या पड़ गई? अब मजबूरी ये पड़ गई कि मुझे अपना इलाज पानी कराना, छोटा भाई भी कारोबार छोटा मोटा करता है, सब्जी वगैरह बेचता है ठेले पे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा यकीन था कि आपके जो साड़ू हैं, जो आपसे बेनतहा प्यार करते हैं, साली भी आपको जो काफी चाह रही थी, वो ऐसा करेंगे कि आपका पैसा आपको वापस नहीं देंगे? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे ये उम्मीद थी कि पैसा दे देंगे लोग, पैसा दे देंगे। हाँ, मगर मुझे पता नहीं था। उस टाइम तो बड़ी मीठी चुपड़ी बातें करते होंगे। मीठी मीठी, उसी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में मेरी घरवाली पड़ गई है, 20 महीने हो गए उसे पड़े हुए, बीमार हो गए। सर, हाँ, सन 2022 नवा महीना 8 तारीख सितंबर का महीना था। अच्छा, उन्हें क्या हुआ था? सदमा, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से खत्म हो गया? हाँ, सच बता रहे हैं? बिल्कुल सच, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ओहो, इन लोगों के फिर भी तरस नहीं आया? नहीं आया, वो सगी बहन है हमारी, सगी साली है। क्या नाम है साड़ू का? साड़ू का नाम है हफीज, बाप का नाम ननुआ। कहाँ के हैं लोग? मिर्जापुर, शिकारपुर रोड पे। अच्छा, मिर्जापुर रामपुर कॉलोनी। अभी आप जैसे पैसे लेने आप गए थे तो क्या कह रहे थे? बस वही कह रहे हैं कि हम पे नहीं है पैसा। हाँ, मारेंगे हम तो भाई। हाँ, जान से मार देंगे तुझे, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, देखिए ये हालात हैं, जब बुरा वक्त आया, बुरे वक्त में जब उनके
दामाद को पकड़ के बंद कर लिया था किसको? दामाद को पकड़ के बंद कर लिया था, मुझसे पैसे लिए। हाँ। पैसे लेने के लिए असरफ आया था। हाँ। सनोफ हफीज, हफीज आया था। हाँ। हफीज की घरवाली आई थी, बेगम। हाँ। नाम है, और उनका एक लड़का असरफ आया था। अब धमकी कौन कौन दे रहा मारने? भाई तीनों जने दे रहे हैं, असरफ भी, असरफ भी, असरफ और हाँ और हफीज भी, तीनों बाप बेटे दे रहे हैं धमकी। अच्छा, असरफ, हफीज और क्या नाम है तुम्हारा, रिजवान, रिजवान। हाँ, अब तो मारने की धमकी देंगे ही, क्योंकि वक्त जो बुरा था उस वक्त आपको पैसे मिल गए, और पैसे अब देने ना पड़ जाए। आप तो दुआएं मांग रहे होंगे रात और दिन की, बेचारे पहले से मरने हालत में हैं, तो ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। खैर, फिलहाल एसएसपी ऑफिस में ये पहुंचे हैं, देखते हैं कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, इनके पैसे इन्हें मिलेंगे या फिर ये बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे।